الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا व अनत तजाल इज़ाशला आमीन या रबल आलमीन किताब यासल में आज हमें जिस बाब के मुताले का आगाज़ करना है उसका है बाबुल हया जो बड़ा नवान था इससे पहले जो किताब का था वो था किताबुल अदब और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत से हवालों से अख्लाक और अदब ये तकरीबन हम मज़मून अल्फाज़ हैं तो अब आप देखिए कि इमाम साहब ने जो आदाब का या अदब का बयान करना शुरू किया तो पहला जो अदब है जो पहला खलुक है वो हया इनत किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दीन इन खुलुकन। बेशक हर दीन का एक ख़ास अखलाक होता है व इस्लामी अल अलया और इस्लाम का जो ख़ास और मखसूस जो खलुक़ है वो क्या है वो हया है तो गया अगर हया है तो इस्लाम है हया नहीं है तो इस्लाम नहीं है हमारे यहाँ एक हिमाक़त जो है वो बहुत अरसे जारी है हम चूँकि कॉलोनाइज़ हो गए और मग़रब हम पर मुस्तौली हो गया और जैसे कि अपने खलदून अलर रहमा ने अपने मुकदमे में ये बात बहुत तफसील से बयान की है कि जो मफतू होता है वो अपने फातह को इमिटेट करता है उस जैसा बनने की कोशिश करता है जिसको एक और साहब ने कहा कि वो मिमिक मैन बन के रह जाता है बिल्कुल एक ऐसा नक्ाल बन जाता है जो अपने फ़ातेह की हर चीज़ जो है उसकी नकाली करता है तो वो जो मरूबियत हम पर कॉलोनाइजेशन के दौर में हुई वो आज तक जारी है सबसे पहले ये ता मुफ्ती मोहम्मद अब्दू जो मुफ्ती आज़म रहे हैं अल अजहर में भी अल-अज़र के मुफ्ती रहे उसके रेक्टर भी रहे उन्होंने ये जुमला कहा था कि जब वो यूरोप गए और ख़ास तौर पर फ्रांस गए तो वहाँ पर उन्होंने जाकर ये बात कही कि मैं कि इन फ्रांस आई सॉ इस्लाम बट नो मुस्लिम्स इन कायरों आई सी मुस्लिम्स बट नॉट इस्लाम ये जुमला जो है आज तक दोहराया चला जा रहा है यानी अब मोहम्मद अब्दू कह रहे हैं कि मैं जब फ्रांस गया तो वहाँ मैंने इस्लाम देखा लेकिन वहाँ मुसलमान नहीं देखे और जब मैं कायरों यानी काहरा आया जो उनका अपना वतन है तो यहाँ मैंने मुसलमान तो देखे लेकिन इस्लाम नहीं देखा तो ये जो एक आमोख्ता आज तक भी हमारे दान दानिशवर सुनाते चले आ रहे हैं कि जनाब जब हम अमेरिका गए जब हम वेस्ट गए और वहाँ जाकर हमने उनके समाज को देखा तो हमें लगा कि बस इन लोगों के यहाँ पूरा दीन मौजूद है बस कलमा मौजूद नहीं है इस्लाम मौजूद है कलमा मौजूद नहीं है और हमारे समाज में जो मुसलमानों का नाम नेहाद समाज है यहाँ कलमा मौजूद है लेकिन इस्लाम मौजूद नहीं और आम तौर पर इस्लाम वो किस चीज़ को करार देते हैं नज़म ज़ब्त को लाइन में खड़े होने को ट्रैफ़िक सिग्नल्स को फॉलो करने को टैक्स देने को ठीक है और डीलिंग्स में फेयर होने को ये तमाम चीज़ें भी पसंदीदा हैं और जाहरी बात है कि ये अखलाक का एक हिस्सा है, लेकिन अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि हमारे दीन का जो ख़ास खलुक है वो हया है तो अगर आप इस पैमाने पर जदीद मग़रब का मताल करेंगे तो बहुत खौफनाक हद तक सूरत हाल हमारे सामने आती है यानी इस वक्त जो है मग़रब के अपने जो लोग हैं जो कन्ज़रवेटिवज़्स हैं जो वहाँ के ट्रेडिशनलिस्ट हैं वहाँ के जो मजहबी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जिनको ख़तरा हो रहा है वो तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है वो तो एल जी बी टी क्यू का है वो सेक्शुअल रेवोलूशन का है वो ट्रांसजेंडरज़म का है और ऐसा लगता है कि हया की क़दर वहाँ बहुत ज़्यादा मजलू हो चुकी है कई साल पहले अमेरिका के एक सबक जज थे उनकी एक किताब छपी वो बहुत मशहूर हुई स्लाउचिंग टूवर्ड्स गोमोरा कि भाई जिस तरह वो सदूम और अमूरा की बस्तियाँ थी ना और लूत सदनालूतम जहाँ पर मबूस किए गए और जिस तरह की वहाँ पर इबाहियत पाई जाती थी और जो सेक्शुअल परवरशन वहाँ पर थी वैसे ही हालात जो हैं वो अमेरिकन सोसाइटी के भी हो गए हैं और ओवरऑल वेस्ट के भी हो गए तो ये वैसे मैंने आपको तोजो दिलाई कि ये बात कि जब हम किसी समाज के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ पर इस्लाम हमें हकीकी इस्लाम वहाँ पर नज़र आया तो अगर हम हया ही का जो पहलू है उसको देखें तो इस लिहाज से मुस्लिम समाज वो कितना ही गया गुज़रा क्यों ना हो वो बहरहाल दीन पर है और मग़रब का समाज वो किसी भी आस और जहरी बात है जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हर दिन का एक खलूक है तो यहाँ इससे मुराद दीन इस्लाम है और जो हर दिन अल्लाह ताली ने जो भी अपने पैगम्बरों को दीन देकर भेजा वो दीन एक ही था इन दीन दी इस्लाम तो लिए मैंने आपको तवज् दिलाई कि नबी अकरम सल्लाम के, के फरमान के मुताबिक हमारे दीन का जो सबसे अहम अखलाक है वो हया है और इसी वजह से इमाम नबी रमत ने किताबुल अदब का आगाज़ बाबुल हया़ से किया और इमाम साहब ने चार पाँच रिवायात इसमें नक़ल किए हैं उसके बाद फिर इन्होंने कुछ अकवाल नकल किए हैं ऐसा बहुत कम करते हैं इमाम कि तकवा का बाब है या हिफ्ज़ सर का बाब है अगला या और बहुत से अबाब हैं तो आम तौर पे उसको डिफ़ाइन नहीं करते लेकिन यहाँ पर इमाम साहब ने इस बाब के आखिर में कुछ उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो इमाम कहते हैं उलमा ये कहते हैं अब ये भी एक अदब है ये भी एक सीखने की चीज़ है इमाम नबी अलैह मुश्तद थे फ़कीह भी थे शाफ़ई फ़कीह थे मुहदस थे किस पाए के मुहदस थे कि आपको मालूम है कि हदीस की सबसे बड़ी सबसे अज़ीम किताब तो सही बुखारी गर्दानी जाती है उसके बाद जो उससे उसके करीब आस पास के मरतबे की किताब है सही मुस्लिम तो जिस तरीके से कुरान मजीद के हवाले से तफसीरें लिखी हैं तो इसी तरीके से हदीस की किताबों की शरह लिखी गई है तो सही मुस्लिम की सबसे मरूफ़ सबसे मुतदाविल शरा आज के दिन तक वो इमाम नबी ने रिखी अलमिनज फी शरा सही मुस्लिम अबिनज इसी तरीके से जिस किताब का हम मुा कर रहे हैं अरबैन जो है रियाहन वो उसके मल्लफ़ वो हैं इसी तरीके से हदीस की किताबों का एक यौनरा है जिसको अरबाइन कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ मुहदसिन ने चालीस चालीस अहादीस जमा कि और इसके पीछे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है तो लगभग मेरा ख्याल सैकड़ों हम कह सकते हैं कि मजमु लोगों ने कंपाइल किए हैं चालीस चालीस अहादीस के लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर सबसे ज़्यादा मुतदाविल और जब भी बल्कि अरबाइन का जिक्र किया जाता है तो लोग ख्याल करते हैं अरबाइन का मतलब है अरबाइन नववी हालाँकि जैसे मैं नज़ कर रहा हूँ अरबाइन जिस तरीके से सुन एक जौनरा है जाम एक यौन है मुसन्फ़ एक यौन है मुस्ंद एक यौनरा है उसी तरीके से अरबाइन भी हदीस की किताबों की एक किस्म है लेकिन अल्लाह ताला ने इमाम नबी किताब को गैर मामूली मकबूलियत अता फ़रमाई मैं तो क्या दिला रहा हूँ कि अब वो आगे कह रहे हैं कलमा ये कहते हैं यानी वो इतने बड़े आलिम हैं इतने बड़े मुहदस हैं इतने बड़े फ़कीह हैं लेकिन वो कोई ये नहीं कह रहा कि जी मैं ये कहता हूँ मेरा ख्याल ये है मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कालमा ये कहते हैं हकीकत हया हया की हकीकत क्या है खुलकुन ये एक अख्लाक है यब आसू अला तरकिल कबी जो इंसान को उभारता है जो इंसान को इस बात पर लेकर आता है कि वो कभी चीज़ को छोड़ दे क्या मतलब है इसका यानी मुख्तलिफ़ आपको मालूम है कि बाइनरीज़ होती हैं एक बाइनरी है सही और गलत एक बाइनरी है हक और बातिल एक बाइनरी है खैर और शर और एक बाइनरी है हैसन और कुब कोई चीज़ खूबसूरत होती है इंसान की तबीयत के लिए खुशगवार होती है एट्रेक्टिव होती है और कुछ चीज़ें कभी होती हैं बहुत बुरी बहुत नागवार तो बंद मोमिन के लिए हर वो चीज़ जो हक से मुत्ल हो वो हसीन होती है और हर वो चीज़ जो बातिल से मुत्ल हो वो कभी होती है तो यहाँ फरमा रहे हैं कि असल में हया किसे कहते हैं ये एक ऐसा अखलाक है जो इंसान को इस पर उभारता है कि आदमी हर बदसूरत चीज़ को छोड़ दे आपको मालूम है कि फ़लसफ़े का भी जो बड़े मौजूद थे हमेशा वो क्या रहे हैं कि वॉट इज़ द रियल वॉट इज़ द ट्रू एंड वॉट इज़ द ब्यूटीफुल ये तीन बड़े सवाल आते हैं तो हसन और जमाल ये इंसान के अंदर अल्लाह ने एक जज्बा रखा है एक सलाहियत रखी है तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसके बंदे हक ताला की तरफ से आने वाली चीज़ों को खूबसूरत जाने और जो अल्लाह से मुनकते चीज़ें हैं उनको बदसूरत जाने। तो हया की डेफिनेशन क्या है ये एक ऐसा अखलाक है जो इंसान को हर तरह की बदसूरत कभी चीज़ों को तर्क करने पर आमादा करता है व यम निनत तकसीर फी हक की ़िल हक और हया क्या है ये एक ऐसा अखलाक है जो इंसान को रोकता है कि वो किसी हक वाले के हक में कोताही न करे ये बहुत अहम बात है पूरा दिन इसी का नाम है ना फ़र्क मरातब का नाम है हम हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ में घिरी हुई है और हर ताल्लुक़ का एक अदब है हर तल्लुक़ का एक हक़ है और जैसे एक हदीस में अल्फाज आते हैं ना फ़ाति कुल हक किन हक का हु हर हक वाले को उसका हक दो तो हया इंसान के अंदर एक ऐसा मलिका एक ऐसी इस्तार पैदा कर देता है कि वो उसको हया आती है उसको शर्म आती है कि किसी का अगर कोई हक बनता है तो उसको देने से कोताही करना ये आदमी गवारा नहीं करता तो पहली डेफिनेशन का पहला हिस्सा क्या है हर बदसूरत चीज़ को छोड़ देता है आदमी जो बाहया होता है और इस बात में बहुत ज़्यादा वो हसास होता है कि किसी हक वाले के हक में मैं कोताही न करूं। इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत डेफिनेशन इमाम नबी नकल की है अबुल कासिम अल जुनीद रिम्ला की कासिम जुनैद कौन है जिनको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में जुनैद बगदादी कहा जाता है बहुत बड़े आरिफ बहुत बड़े जो हैं अल्लाह वाले उनकी डेफिनेशन क्या ख़ूबसूरत डेफिनेशन है इमाम नबी फरमाते हैं कि कासिम जुनैद ने कहा है अल हया नाम है आला जो अल्लाह ताला की आला हैं उनको देखना व रुतीर और दूसरी तरफ अपनी कोताही को देखना अपनी कमी को देखना फ़ैतवल्लु बैनहुमा हालतुन हालत हया तो इन दोनों के दरमियान एक हालत तवलुद करती है एक हालत पैदा होती है जिसको हया कहा जाता है आला का लफ्ज़ आप जानते हैं कुरान मजीद में सूरह रहमान में बार बार इसको रिपीट किया गया फ़बी अय आलाब्मा तुका तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे तो आला का लफ्ज़ नेमतों के लिए भी बोला जाता है करिश्मों के लिए भी बोला जाता है अल्लाह के अफजाल और अल्लाह की इनायतों के लिए भी बोला जाता है तो इमाम कह रहे हैं अबुल कासिम जुनैद कि इंसान एक तरफ तो अल्लाह ताला की नेमतों पर निगाह करे क्या क्या नेमतें उसने दे रखी हैं सबसे बढ़कर तो हमारा वजूद है फिर माल है फिर औलाद है फिर रिज्क है फिर ये कायनात है ये सब के सब क्या है ये अल्लाह की नियमतें तो इंसान थोड़ी देर तवज्जो करे कि मेरे रब ने मुझे किस किस तरीके से नवाजा है कैसे कैसे अल्लाह ने मुझ पर इनायात की हैं अपने फजल की हैं एक पहलू ये है और साथ ही अपने आप को देखे अपने नफ्स को देखे तो रोयत तकसीर वो देखे कि मैं कितना कोता हूँ मैं कितनी कमी कर रहा हूँ मैं कितना नालायक हूँ तो एक तरफ़ अल्लाह की नेमतों को देखे अल्लाह की इनायात को देखे और एक तरफ गोया अपनी करतूतों को देखे अपनी कमियों को कोताही को देखे तो इसके दरमियान फिर इंसान के अंदर जो जज्बा पैदा होता है वो जज्बा जो है वो हया का है हया से मिलता जुलता एक लफ्ज़ खजालत का भी है अगरचे खजालत के अंदर या ख़जिल होना इसमें बाज़ात एक कोताही का एलिमेंट भी होता है कि आदमी में झिझक बहुत ज़्यादा हो खजालत बहुत ज़्यादा हो और इंसान जो है वो जो, जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा करने में कोताही करे। लेकिन ये जो शर्मिंदगी है यानी जिसको जो है इकबाल ने कहा ना कि मोती समझ के शार करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक इन फ़्याल के तो ये जो अरक इन फ्याल है ये कब सामने आता है जब इंसान अल्लाह की नेमतों को देखता है और फिर अपनी कोताहीियों को देखता है इमाम अबूलकासिम जुनेद कहते हैं ये हया का मंबा है यहाँ से हया फूटती है और कभी आप गौर कीजिए तो यही वो जगह है जहाँ से इसगफ़ार का सौता फूटता है इसतफ़ार का मादा भी वहीं से फूटता है जहाँ से हया का मादा फूटता है नबी अकरम सल्ला वसम अगर आप उनकी जो दुआएँ हैं आप उनके जो असकार हैं उनका मुताल करें तो आपके असकार का सबसे बड़ा हिस्सा इस्गफ़ार पर मबनी है और नबी आक्रम सम ने बहुत से सी तलीम किए अपनी उम्मत को इसतगफ़ार के लेकिन एक सी वो है जिसको ख़ुद पैगम्बर सल्हलम ने फ़रमाया कि वो सैदल्सतगफफ़फार है वो इसगफफ़ार का जितना भी आप समझ लें किस्म है उसका सरदार सीगा है उसके अल्फाज क्या हैं तबी लंत खलक तनी वाना अब्दुक वाना अला अहदी का ववादी का मस्तात एरला जो है तू मेरा रब है तेरे सिवा कोई इलाह नहीं और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे अहद में और वादे में हूँ जितने मेरे जितना मेरे बस है, में है अवज भी कमिन शर माँ सनात मैं जो कुछ भी बुराइयाँ करता हूँ अल्लाह मैं उस बुराई से उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ अब आगे वो अल्फाज हैं जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल वही जगह है जो हया की इमाम कासिम जुनैद ने बयान की हैं अबू उलकबी नमति का अलैया एल्ला मैं अतराफ़ करता हूँ तेरी उस नेमत का जो मुझ पर है वह अबू उलकबी जम्भी और जो मेरा गुनाह है मेरी कोताही है उसका भी मैं अतराफ़ करता हूँ फकफिली मकफ्यतम दिक्क व हमने तो यहाँ पर क्या है अबू उल का बि नमति आलिया ये क्या है आला अल्लाह की नमतों की तरफ निगाह तो मैं अतराफ़ करता हूँ ए जो तेरी नेमतें मुझ पर है और दूसरी तरफ़ क्या है रो तुछ तुछ तकसीर कमी कोताही अबूलकब भी और अल्लाह मैं तेरे सामने अतराफ़ करता हूँ अपने गुनाहों का तो ये हया है जो इंसान के अंदर एक फितरी जज्बे के तौर पर पैदा होता है और यह इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर है जदीद मगरब में जितनी भी थेरीज़ हैं क्योंकि उन तमाम उलूम को तमाम डिसप्लिनस को माबार तबियात से काट दिया गया वही की रिवायत से काट दिया गया तो अब हर चीज़ की साइकिक या सोशल या पॉलिटिकल जो है वो तोजी की जाती तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख्याल करते हैं कि असल में तो एक जो फितरी आदमी था जो नोबल सेवेज था वो असल में तहज़ीब आप समझ लें कि वो असल में इंसानियत की मेराज थी ये जिसको हम तहजीब कहते हैं जिसको हम तमदन कहते हैं मदनीयत कहते हैं इसने इंसानों को करप्ट किया यानी रूसों का वो जुमला बहुत मशहूर है उसको लोग जो है बिला वजा में सैदना उमर रजी अल्लाह के कॉल से मिलाते हैं रूसों का जुमला बहुत मशहूर है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरी वियर ही इज़ इन चेंज इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ था और हर जगह मुझे वो लगता है कि वो जंजीरों में जो है वो जकड़ा हुआ है इसको हम उठाते हैं और देखें ये बात इस्लाम ने भी तो यही कहा इस्लाम ने आज़ाद किया लेकिन रूसों से अगर आप पूछेंगे कि वो चेंज़ कौन सी हैं तहजीब की तो रूसो बताएगा कि उसमें एक चेन क्या है वो लिबास है यानी इंसान जो है बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था जैसे बाकी जानवर होते हैं और वो तो अपना तन ढांपने के लिए जो है वो कपड़ों की धज्जियाँ अपने ऊपर नहीं ओढ़ते फिरते इसी तरीके से और क्या बेड़ियाँ हैं तहजीब की मिसाल के तौर पर जिनसी ताल्लुक में महारम का लिहाज करना कि भाई ये माँ है ये बेटी है ये बहन है इसके साथ जो है वो जिनसी ताल्लुक ठीक नहीं है तो जानवरों के हाँ तो ऐसी कोई तमीज़ नहीं है तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो अकवाल हम बयान करते हैं हमें उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए तो रूसों के इस कॉल का असल मतलब ये है कि इंसान तो असल में बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था और अब तहजीब ने तमद्दन ने मदनीयत ने उस पर बेड़ियाँ डाल दी तो मैं ये कर रहा हूँ कि अब वो ये कहते हैं कि ये एक बेड़ी है लिबास जो आपने अपने ऊपर डाल ली है इंसान को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए उसकी तबीयत को फितरत को तो वो बे लिबास लेकिन कुरान मजीद हमें कहता है कि ऐसा नहीं है किस्से आदम और इबलीस में हमारे लिए बहुत से इसबाक हैं उनमें से एक सबक़ यह भी है ना कि जैसे ही शैतान के वरगलाने पर आदम और हवा ने उस ममनुवा दरख्त का जो है वो फल खा लिया तो क्या हुआ कि उससे उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गईं तो फौरी तौर पर वो जल्दी जल्दी जन्नत के पत्तों से अपने उन पोशीदा आज़ा को ढाँपने लगे इसीलिए कुरान मीर ने कहा कि या बनी आदम ला यफ शैतान बनी आदम कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाल दे कमा अखज अब मिनल जन्ना जैसे उसने तुम्हारे बाप को तुम्हारे माँ बाप को निकलवा दिया था जन्नत से तो क्या किया था कि उनको बरहना कर दिया था ठीक है और लायफ तन्न कुम शैतान कमा अखजा अबई कु मिनल जन्नति यनजान लिबास हुमा लिययाउमां सऊआती माँ और क्या किया था उसने उसने उनके लिबास उतरवा दिए थे ताकि उनकी जो पोशीदा या शर्म के आज़ा हैं वो देख लिए जाए तो उससे भी पता लगता है कि ये जो शर्म के आज़ा हैं इंसान के अंदर जो एक ख़ास तरह की चेस्टिटी या एक ख़ास तरह की जो है वो पाकिजगी और हया का तस्वुर है ये फितरी है जैसे ही आदम और हवा को एहसास हुआ कि उनके बदन पर जो है वो कपड़ा नहीं है तो फौरी तौर पर उन्होंने जन्नत के जो दरख्त के पत्ते हैं उससे अपनी शरम गाहों को ढाँपना शुरू किया तो बादल इससे बात मालूम होती है कि ये एक बिल्कुल फितरी जज्बा है जो अगर परवान चढ़ाया जाए जिसकी सही तरबियत दी जाए तो वह परवान चढ़ता है उसकी हिफाजत होती है और अगर उसको ज़ाय कर दिया जाए अगर उसकी पर्दाख न की जाए तो वो करप्ट भी हो जाता है वो ख़राब भी हो जाता है तो इन अगली मतलब हम रिवायात का मुताल करेंगे